दोस्तों, जब भी साउथ इंडस्ट्री के मोस्ट हैंडसम अभिनेताओं की बात होती है तो उन अभिनेताओं में एक नाम राम पोथिनानी का भी शुमार होता है, जिनका लुक तो बेमिसाल है ही, साथ ही साथ एक्टिंग भी कुछ कम नहीं। तभी तो आज ये साउथ इंडस्ट्री के टॉप अभिनेताओं में गिने जाते हैं। पर जहाँ ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सातवें आसमान पर हैं, तो वहीं इनकी लव लाइफ भी कुछ कम नहीं है। जिनकी लाइफ में कई लड़कियां प्यार बनकर आईं, पर शायद इनकी लाइफ में किसी का प्यार पाना नसीब ही नहीं था। तभी तो उन सभी ने इनका हाथ बीच मोड़ पर ही छोड़ दिया। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको इनकी लव स्टोरी से लेकर ब्रेकअप स्टोरी की दास्तां से रूबरू करवाएंगे। अगर आप भी अभिनेता राम पोथिनानी के फैन हैं और जानना चाहते हैं इनकी लाइफ से जुड़े अहम पहलुओं के बारे में, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही इस दमदार अभिनेता के लिए एक लाइक तो बनता है। सुपर खिलाड़ी 3, आई स्मार्ट, शंकर, हाइपर और डेंजर खिलाड़ी 4 जैसी फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से सभी का मन मोहने वाले अभिनेता राम पोथिनानी आज अपनी फिल्मों के साथ साथ अपने स्टाइल स्टेटमेंट से हर एक लड़की को दीवाना बनाने का हुनर रखते हैं। तभी तो इनके चार्मिंग लुक को देख अभिनेत्री अनुपमा परमेश्वरन इनके बेहद करीब आ गयी। जी हाँ, अभिनेत्री अनुपमा वही हैं जो इनके साथ वन्नाधी ओकाते जिंदगी और हेलो गुरु प्रेमा कौसमे जैसी फिल्मों में नजर आई थी, और इन्हीं फिल्मों में काम करने के दौरान ही दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे, जहां से दोनों को एक दूसरे के साथ कई जगह पर स्पॉट किया गया था। जिनकी प्यारी सी जोड़ी को देख लोग चाहते थे कि ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते इनका ये प्यारा सा रिश्ता टूट गया। दरअसल बता दें कि जब राम पोथिनानी अनुपमा परमेश्वरन के साथ रिलेशनशिप में थे, तभी उन्हें एक फिल्म ऑफर हुई थी जिसका नाम था आई स्मार्ट शंकर, जिसके प्रपोजल को स्वीकार करके उन्होंने इस फिल्म में काम किया। पर उन्हें क्या पता था कि इस फिल्म में काम करने के बाद इनकी लाइफ की खुशी ही चली जाएगी। जी हाँ, बता दें कि हुआ कुछ यूं कि इस फिल्म में इनके ऑपोजिट साउथ एक्ट्रेस निधि अग्रवाल नजर आई थी। फिल्म में दोनों के बीच में बहुत से ऐसे रोमांटिक सीन्स फिल्माए गए थे जिसे देख दर्शक इनकी जोड़ी के दीवाने हो गए थे। तभी तो निधि अग्रवाल और राम पोथिनानी को लेकर ऐसी अफवाह उड़ गई थी कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था, बस फैंस का एक नजरिया था इनकी जोड़ी को एक साथ देखने का। पर शायद ये बात अनुपमा के दिल पर जाकर लग गई। उन्हें लगा कि राम उन्हें धोखा दे रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने गुस्से में आकर राम पोथिनानी से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। हालांकि राम ने इन्हें काफी मनाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, पर बावजूद अनुपमा को बिल्कुल भी यकीन नहीं आया। उन्होंने इनका पल भर में साथ छोड़ दिया। तभी से राम पोथिनानी का प्यार से विश्वास उठ गया, जिसके बाद वो दिन है और आज का दिन है उन्होंने किसी भी और लड़की से प्यार नहीं किया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राम पोथिनानी और अनुपमा को एक हो जाना चाहिए? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साउथ इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।